हेलो बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आज के इस वीडियो के माध्यम से बाल महाभारत इस कथा का जो आठवां पाठ है, इसका नाम है द्रोणाचार्य, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले के पाठ में हमने कर्ण के बारे में जाना था, और उससे पहले जो पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7, ये पिछले वीडियो में हमने जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 8वां, इसका नाम है द्रोणाचार्य, इस पार्ट में किस तरह से महाभारत की कथा आगे बढ़ रही है वो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखने के कारण ही आपको ये पार्ट आसानी से अच्छी तरह से समझ आएगा। इसलिए ये आपसे विनती है कि आप इस पार्ट को ध्यान से वीडियो देखते समय बुक खोल के रखिए और अंत तक जरूर देखिए, ठीक है? तो आप जो पाठ है द्रोणाचार्य, ये पाठ हम पढ़ेंगे। इस कहानी में किस तरह से कहानी आगे बढ़ी है वो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्या हुआ है इस पाठ में? देखिए, पिछले पाठ में हमने देखा था कि भीम और कर्ण के बारे में, भीम के बारे में, कर्ण के बारे में हमने जाना। आज हम द्रोणाचार्य, जो एक महाभारत के एक बहुत ही हिस्सा है, ये भाग है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो अपनी बुक खोल के बैठिए, बुक साथ में अगर आपके रहेगी तो आपको आसानी से पाठ समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी-कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहां तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा, क्या अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वो मैं बांट चुका हूं। अब यह मेरा शरीर और धन विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धन विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया, यानी उनका डेथ हुआ, मृत्यु हो गई, और द्रुपद राजगद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश के राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चले गए। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद आई थी। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूं। तो ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा ये व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, यानी सज्जन की तरह अच्छी तरह व्यवहार आपका नहीं है। मुझे मित्र
कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा ने साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है? लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करने के चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गई। युधिष्ठिर उनको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देखता रहा। राजकुमारों को उनका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सिंक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सिंक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर एक तरह लगातार कई सिंके वे कुएं में डालते गए। सिंके एक दूसरे के सिर में से चिपकती गई। जब आखिरी सिंक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से युद्ध करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमार को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों ये सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेगा। तो राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करने लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर प्राकर्मी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए
तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ। इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में होती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हुआ जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो द्रोण को जो अर्जुन को ब्याह कर जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसको धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो इस तरह की कहानी द्रोणाचार्य इस पाठ में दी गई है, जो अभी हमने पढ़ा। इस तरह की कहानी इस पाठ में है कि आखिर में किस तरह से द्रोणाचार्य और द्रुपद जो मित्र थे बचपन से, पर अंत में किस तरह से उनका जो अभिमान है, घमंड है, वो चूर हो गया हो, ये इस पाठ में दिया गया है, जो पाठ द्रोणाचार्य थे। तो इस तरह की कहानी इस पाठ में दी गई है। ये पाठ आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और देखकर जो पाठ आपके पेज नंबर 16, 17 पर 18 पर दिया गया है, ध्यान से पढ़िए, घर पर आसानी से आपको समझ में आ गया। और जो भी इसके ऊपर प्रश्न दिए जाएंगे वो प्रश्न आपको पूरे करके मेरे ईमेल आईडी पर समय रहते ही भेजना है। समय रहते नहीं समझो, मैंने आपको आज ये वर्कशीट दी तो आपको 2 दिन में वर्कशीट पूरी करके भेजना है। अगर आप 2 दिन में नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स कम होंगे, ठीक है। तो इस संदेश को आप ध्यान से सुनिए, इस पार्ट को सुनिए, और जो पार्ट 6, 7, 8 ये 3 पार्ट के आधार पर एक वर्कशीट आपको दूंगा मैं, जो उसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, वो 10-12 क्वेश्चन आपको इन 3 पार्टों के आधार पर पूरे करने होंगे और पूरे करके मेरे मेल आईडी पर भेजना है, ठीक है। तो इसी आशा से कि आप जल्द से जल्द वो वर्कशीट पूरी करके भेजेंगे, इसी आशा से हम यही रुकते हैं। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है लाभ का घर। उस वीडियो के माध्यम से हम जल्द मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।